जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से शानदार विथ सर्वे क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर, कितने समय में 4400 रुपए ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 हो जाएगी, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो क्वेश्चन में अगर अर्धवार्षिक बोला जाए तो याद रखिएगा कि दर से हमेशा 2 से डिवाइड करना है, और जो समय होता है उसको 2 से मल्टीपल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें से दोस्तों पी का मान दिया हुआ है 4400 रुपए, ठीक है, और ना रेट का मान दिया हुआ है दोस्तों, का मान दिया हुआ है दोस्तों ना 8%, ठीक है, और हो जाएगी मतलब क्या है कि इसका दर मिश्रधन है, तो मिश्रधन का जो मान है उसको अमाउंट बोला जाता है, और अमाउंट का मान है दोस्तों 4576 रुपए, ठीक है, और एन का मान क्या हो जाएगा, तो एन जो है अर्धवार्षिक होता है, तो एन को मान लेते हैं एक्स, और क्या बोले थे ना हमेशा आर में जो आर रहता है उसको 2 से डिवाइड देना है, तो 8 में 2 से डिवाइड देना है, कितना हो जाएगा ना 4 आएगा, तो 4% हो जाएगा, ठीक है, और जो समय होता है उसमें 2 से गुना करना है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब अमाउंट यानी मिश्रधन का फॉर्मूला होता है दोस्तों A=P(1+R/100) के पावर में एन, ठीक है। तो अमाउंट का मान दिया हुआ है दोस्तों कितना, 4576 इसकल टू पी का मान है 4400, 1+R का मान है दोस्तों, R का मान है 4, तो लिखेंगे 4/100, और पावर में n, n इसकल टू क्या लिखे ना 2x, तो यहां 2x लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको छोटा करना है, तो 4 से काट सकते हैं एक बार में, और 25 बार में चल जाएगा, यानी इसको हम जब हल करते हैं 1/1 + 1/25 तो होगा ना 26/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आना है तो 4576/4400 इक्वल टू ना 26/25 के पावर में जो होगा वह 2x होगा, ठीक है। अगर इस तरह का आता है दोस्तों तो इधर भी उतना ही आएगा, ये आएगा ही आएगा, ऐसा अमाउंट ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे ना तो ये 25 बार में कटेगा और ये 26 बार में कटेगा, ठीक है, आप काट सकते हैं। तो कितना होगा ना 26/25 के पावर में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और यहां 26/25 के पावर में क्या है ना 2x है, तो ये बेस और ये बेस कट जाएगा, तो यहां पावर में क्या है ना 1, और इसका पावर में क्या है ना 2x, तो एक्स इसका लो क्या हो जाएगा ना 1/2 ईयर, ठीक है। ये एक्स का मान है, एक्स का मान मतलब समय का मान हो गया 1/2 ईयर, लेकिन ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है 6 महीना, तो जब ईयर है तो इसको माह में चेंज करना है, ठीक है, समय यानी एन का मान कितना दिया हुआ है ना 6 महीना, तो 1/2 ईयर्स है, और एक ईयर्स में यानी एक साल में कितना महीना होता है दोस्तों ना 12, तो 12 लिखना है, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा ना 6, तो 6 महीना होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, राजू ने पी प्रतिशत के वार्षिक ब्याज की दर पर 5000 रुपए का निवेश किया, 3 साल बाद उसे 1655 ज्यादा मिले, तो पी का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसमें क्या है ना 1655 है ज्यादा मिला, मतलब क्या है ये ब्याज है, ठीक है, क्या है ये ब्याज CI है दोस्तों। तो दोस्तों ना आर का मान निकालना है, जिसमें से पी का मान दिया हुआ है 5000 रुपए, और CI यही दिया हुआ है 1655 जो है ज्यादा हो जाता है, यानी CI का मान 1655 है, ठीक है। तो अमाउंट इसको लो क्या हो जाएगा ना P+CI होता है, तो अमाउंट का मान है 5000+1655, तो कितना हो जाएगा ना 6655 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है दोस्तों ना एन का मान जो दिया हुआ है वह 3 साल है, 3 ईयर्स, ठीक है।
तो अमाउंट यानी a का इक्वल टू फॉर्मूला होता है a इक्वल टू पी वन प्लस आर बाय हंड्रेड पावर n हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट यानी अमाउंट का मान आया अभी 6655 और प्रिंसिपल मस होता है मूलधन का मान दिया हुआ है 5000, ठीक है। फिर 1 प्लस आर का मान कितना है दोस्तों, ना आर का मान नहीं दिया हुआ है तो आर का मान वैसे रहेगा, ठीक है। और एन का मान जो दिया हुआ है वह 3 है, ठीक है। अब इसको इधर ले आना है तो 6655 बाय 5000 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 के पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से काट सकते हैं तो एक बार में 000 अब यहां चल जाएगा, एक बार में फिर 3 बार में फिर 3 बार में 1 बार में, यानी जो आएगा वह 1331। ये किसका क्यूब है दोस्तों, 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है तो यह 11/10 के पावर में 3। और यहां क्या है ना 1 प्लस आर बाय 100 के पावर में 3। अब क्या करना है दोस्तों, ना पहले बेस और बेस जो है कट जाता था, अब क्या है ना ये समय कट रहा है, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ना 11/10 यहां प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा 1/1 इक्वल टू आर बाय 100, ठीक है। अब क्या होगा ना इसको हल करना है, जब इसको हल करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा ना, ये दोनों का बेस लेंगे यानी यहां हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहां 10 यहां 11 माइनस 10 इक्वल टू आर बाय 100 इतना होगा। अब 10 में एक जाएगा कितना होगा ना, 10 में 11 में 10 जाएगा कितना हो जाएगा 1/10 इक्वल टू आर बाय 100, ये जीरो इसको सब कट जाएगा। तो इसके साथ R को 1 से मल्टीपल करेंगे तो R हो जाएगा और 1 को 10 से मल्टीपल करेंगे 10 हो जाएगा, यानी R का जो मान होगा वह 10% होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वह C होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं रेट का मान, ठीक है। तो एक बार N और एक बार R इस तरह से निकाल सकते हैं, सब एग्जाम में पूछा हुआ स्लैटर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज उस धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 कम है तो धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कम मतलब होता है डिफरेंस, ठीक ना। माना कि धनराशि इक्वल टू पी और डिफरेंस दिया हुआ है वह साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है, तो पहला क्या मान लेते हैं P और R का मान क्या दिया हुआ दोस्तों, ना R का है 10 बाय 7 मल्टीपल 7 बाय 2 मल्टीपल 100 और फिर डिफरेंस अंतर मतलब क्या होता है, जब कम दिया हुआ मतलब अंतर, फिर क्या होगा ना P मल्टीपल R का मान यहां दिया हुआ है ना 12% 5 बाय 2 मल्टीपल 100, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया हुआ दोस्तों, ना क्या होता है ना SI का फॉर्मूला क्या होता है ना, पी मल्टीपल आर मल्टीपल टी बाय 100 होता है, ये सब दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इसमें कम हुआ है कितना ना 50 का कम होगा, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या कर सकते हैं ना, इन दोनों का एलसीएम तो ही 200 होगा तो 7 × 10 = 70 यानी 70 पी होगा बाय 200, यहां क्या होगा 12/5 = 60 पी होगा बाय 200 = 50। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों ना 200 होगा, अब यहां लिखेंगे 70p - 60p = 50, नीचे कुछ है तो 1 मान सकते हैं, 70 में 60 घटाएंगे कितना होगा 10, 10 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 10p होगा और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 200 × 50 ये जीरो इसके साथ कट जाएगा तो पी इसका टू क्या हो जाएगा ना 5 × 10 हो जाएगा और 2 जीरो था, यानी जो पी का मान होगा वह 1000 होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसान। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, एक व्यक्ति के पास 2000 है, वह राशि का एक भाग 5% और साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है, एक वर्ष के बाद वह 96 कमाता है तो 4% ब्याज की दर से उसे कितना राशि दी थी वो निकालना दोस्तों, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि 4% पर दी गई राशि इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, और एक क्या दिया हुआ दोस्तों ना 5% पर दी गई राशि क्या हो जाएगा, टोटल राशि 2000 है, 2000 में
ये वाला घटा देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस पर 4% है तो फॉर्मूला ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है ना, पी इंटू आर इंटू टी होता है। तो x मान लिया धनराशि और r का मान दिया हुआ है 4% और साल है एक बाय 100 फिर प्लस। फिर दूसरा राशि क्या है दोस्तों ना, 2000 माइनस एक्स और पर 5% है एक साल के लिए बाय 100 हो जाएगा। इसका टू दिया हुआ है यार अभी, ठीक है। अब 4 को x से मल्टीपल करेंगे तो 4x बाय 100 हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 जीरो होगा, 5x बाय 100 इसका टू 96 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 ही होगा और यहां लिखेंगे 4x प्लस 1 4 को 0 यानी 10000 इकाई सैकड़ा हजार 10000 माइनस 5x इसकल टू 96। नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्या करना है ना, यहाँ 4 में 5 घटेगा तो कितना होगा x, दोनों में बड़ा कौन है माइनस, तो इसलिए माइनस x प्लस 10000 इसकल टू इसको इसके साथ मल्टीपल करना है तो 96 और 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है ना, माइनस x इसकल टू 96 2 0 माइनस या प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10000 तो माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ना 400 हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा क्योंकि यहाँ माइनस में है, दोनों बड़ा कौन था माइनस माइनस का साइन रहता है तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, यहाँ जो एक्स का मान होगा वह 400 होगा। ऑप्शन नंबर इसका होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% की साधारण ब्याज 360 है, समान राशि पर समान ब्याज की दर के हिसाब से समय दुगना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं P का मान 100 और टाइम दिया हुआ है 1.5, ठीक है साल, और रेट दिया हुआ दोस्तों, रेट दिया हुआ है 8%, ठीक है। तो सबसे पहले राशि निकालना पड़ेगा, P का मान तो दिया ही नहीं है और माने हैं तो SI का फॉर्मूला क्या होता है ना, P इंटू आर इंटू टी एस आई ए। अब P का मान 100 माने हैं, R का मान कितना है ना 8 और T का मान है 1.5, कितना हो जाएगा मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा ना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें से साधारण ब्याज का मान दिया हुआ है दोस्तों कितना है ना 360, इतना का मान यही ऐसा ही हुआ, इतना का मान 360 दिया हुआ है तो कितना गुना हुआ 30 से, तो यहां भी 30 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा ना 3000, और ये 3000 होगा दोस्तों ये P का मान होगा, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ P का मान दिया हुआ है, निकला 3000 तो निकालना क्या है ना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और उसमें क्या कंडीशन है दोस्त, समान ब्याज दर के हिसाब से समय को दुगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी समय तुम्हारा 1.5 साल है तो 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा ना 3 साल हो जाएगा, ठीक है। और 3 साल का सीआई निकालने का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है ना 3 3 1 ये पता है आप लोगों को, ठीक है। तो कितना है ना 3000, तो 3000 का कितना निकालना है ना 8%, तो 8% बाय 100 ये 0 जिसके साथ कट जाएगा तो 8 किया 24 240 होगा, फिर 240 का 8% बटा 100 हो जाएगा ये 0 इसका सर्कल जाएगा, 24 को 8 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 8 4 32 को 2 8 2 16 3 19 192 1.0 है पॉइंट दे देंगे, ठीक है। 100 बेस पॉइंट है, 2 का फिर 8% निकालना है दोस्तों तो कितना होगा सबको पहले मल्टीपल करना है तो 8 2 16 का 6 9 8 72 और 1 73 का 3 होगा हाँ 7 8 और 7 कितना हो जाएगा ना 15 तो 15 लिखेंगे तो 2 0 यहाँ 1 3 0 1 2 3 पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। तो इतना आया, अब क्या करना है पहला के साथ मल्टीपल करेंगे तो 240 यहाँ लिखना है, दूसरा के साथ मल्टीपल करेंगे 19.2 और तीसरा के साथ मल्टीपल करेंगे 1.536, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल कर लिखना है तो 24 3 72 720, ठीक है। अब कितना होगा ना 3 6 27 के पॉइंट 27 और 3 3 2 5 57.5 प्लस यहाँ इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 1.536 होगा। अब दोनों को जोड़ देना दोस्तों तो जोड़ने पर कितना आएगा 779.136 होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर होगा, नंबर जो होगा वह बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, लिस्ट में जाके आप निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों आज यही क्लास
समाप्त करते हैं और बन रहिए। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।